हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 साल तक मनाने का ऐलान किया है। इस महोत्सव को मनाने का मेन उद्देश्य जो उन तमाम महापुरुषों को जो कि भारत देश को स्वतंत्रता करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उन तमाम महापुरुषों को जानने के लिए और देश का स्वतंत्रता को 75 साल पूरा होने पर मनाने का शुरू की एक पहल है। छब्बीस जनवरी के अगले दिन हमारे सेंट्रल ऑफ टीचर एजुकेशन फैकल्टी के पूरे स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सारनाथ में स्थित उन पावन स्थानों का विजिट करने के लिए चले गए। वसवी स्थान अपने आप में एक महान इतिहास से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपने इनलाइटनमेंट के 49 दिनों बाद यहाँ सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। उस स्थान और सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए धार्मिक स्तूप का विजिट किया और इनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा मोटा इंफॉर्मेशन गेन किया। के बाद हम आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में गया, पर उसके अंदर मोबाइल ले जाने का अलाउ नहीं था, इसीलिए हमें अपना मोबाइल बाहर ही छोड़ना पड़ा। पर गेट के अंदर पहुंचते ही अशोक चक्र का दर्शन हुआ और भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति निर्माण किया था उनका भी दर्शन हुआ, जो कि अभी तक सबसे पहला और सबसे सुंदर मूर्तियों में से माना जाता है। अंत में हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव इस तरह से कुछ ग्रुप फोटोज के साथ खत्म हुआ। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको फिर से मुलाकात करते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।